ओके, जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है कि मेरा दो ट्विटर अकाउंट है, एक ट्विटर अकाउंट जो बेसिकली मेरा मेन अकाउंट है राजदोस्त आर, और दूसरा एक कोडिंग गुंडा नाम से मैंने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो कोडिंग गुंडा यूजर नेम है ये ऑक्यूपाई हो जाए, इसे अकाउंट एक मेरा है जिसके, नहीं तो कोई बाद में इसी यूजर नेम से एक अकाउंट बना लेगा तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो दो अकाउंट तो मेरा बन चुका है, लेकिन जब मैं ट्वीट करता हूँ, मैं अगर ट्वीट करूँगा भी आगे, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होगा कि मैं उस अकाउंट पे भी मुझे उसी ट्वीट को कॉपी करके पेस्ट करके फिर से ट्वीट करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग आज एक बनाएंगे ट्विटर बॉट। बेसिकली ट्विटर बॉट हम लोग को खुद ट्विटर अलाउ करता है कि हम लोग ट्विटर बॉट क्रिएट कर सकें, और मैं वो बॉट बेसिकली यही काम करेगा कि जो लेटे अभी मैंने ट्वीट किया उसी ट्वीट को कॉपी करेगा, और मेरे दूसरे कोडिंग गुंडा वाला जो मेरा सेकेंडरी अकाउंट है कोडिंग गुंडा का, उस पर ले जाके पेस्ट करके और ट्वीट कर देगा। बस इतना ही इसका सिंपल सा काम है। तो सबसे पहले आपको अगर ट्विटर अकाउंट का बॉट बनाना है, बेसिकली ट्विटर बॉट बनाना है, तो आपको सबसे पहले एक डेवलपर अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो ट्विटर डेवलपर अकाउंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। ट्विटर डेवलपर अकाउंट के लिए कुछ नहीं करना है, आप ट्विटर डेवलपर अकाउंट सर्च कीजिए गूगल में, और जो पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, अप्लाई फॉर डेवलपर अकाउंट कीजिए, और कुछ आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ट्विटर के द्वारा। आप क्यों बनाना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आप इसे क्या काम कीजिएगा, वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप किस किस चीज़ का एक्सेस चाहते हैं, क्या आप इसे रीट्वीट कीजिएगा, मतलब क्या डेटा को एनालाइज कीजिएगा, बहुत सारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन क्वेश्चन को आपको सिंपली आंसर करना है, सही सही आंसर करना है, और कुछ देर बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा डेवलपर अकाउंट का। जब आपके पास एक ट्विटर डेवलपर अकाउंट होगा, उसके बाद आप लोग को एक ऐप क्रिएट करना होगा बेसिकली उसमें, और उस ऐप में आपको मिलेगा एक API की, और आपको जनरेट करना होगा एक एक्सेस की। तो आप लोग के पास बेसिकली चार की हो जाएंगे, पहला एक API की, API सीक्रेट की, एक्सेस की, और एक्सेस सीक्रेट की, मतलब चार आपके पास की होंगे जो कि आपको बचा के रखने हैं, किसी को दिखाने नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो उन चीज़ का आपको इस्तेमाल करके हम लोग बेसिकली कोड करेंगे। और एक बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जो ट्विटर अकाउंट है, जो आप ट्विटर ऐप अभी बनाए हैं, ट्विटर डेवलपर अकाउंट में जो ऐप बनाए हैं, उसमें परमिशंस में जाके आप रीड और राइट का परमिशन एक्सेस, अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट उसमें रीड का परमिशन दिया होगा, आप उसे रीड और राइट परमिशन में चेंज कर दें, रीड और राइट परमिशन दे दें, ताकि हम लोग प्रोग्राम से तो पहला नंबर तो ट्वीट को रीड करेंगे, जो ट्वीट हम लोग को मेंशन किया जाएगा, और उस ट्वीट को बेसिकली हम लोग अपने ट्विटर में कॉपी करेंगे और ट्वीट को पेस्ट भी करेंगे। तो रीड और राइट का परमिशन कंपलसरी है, तो आप लोग को रीड और राइट का परमिशन ले लेना है। ट्विटर का ही एक TwiPy नाम का एक मॉड्यूल है जो पाइथन में लिखा गया है। बेसिकली पाइथन से आप इसके API को एक्सेस कर सकते हैं, और उस API से आप ये सारे काम जो मैं रीट्वीट करवाने वाला हूँ उससे उसी लाइब्रेरी से होगा। तो सबसे पहले आपको TwiPy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, पिप इंस्टॉल TwiPy लिखिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चलते हैं कोड में, कोड करते हैं। तो रन कराने से पहले मैं आपको कोड एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने TwiPy लाइब्रेरी जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, TwiPy जो ट्विटर API को एक्सेस करने के लिए एक लाइब्रेरी है, उसको हमने इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट टाइम भी हमने किया है। टाइम बेसिकली किस लिए आपको आगे चल के पता चल जाएगा। और नीचे में हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, इसमें देखिए API की, API सीक्रेट की, एक्सेस टोकन, एक्सचेंज टोकन सीक्रेट। तो आपको चार जो कीज मिले हैं, API की तो आप जैसे ही अकाउंट क्रिएट करिएगा, ऐप बनाइएगा, उसी समय आपको API की मिल जाएगा। उसके बाद जो टोकन है वो आप जनरेट कर सकते हैं, मैंने बताया है वीडियोज में पीछे, आप उस जो फास्ट फॉरवर्ड वीडियो चल रहा था तो स्लो करके आप देख सकते हैं, नहीं तो उसे भी आपको दिख जाएगा कि कैसे उस चीज़ को जनरेट करना है। तो आपके पास चार कीज हैं, चार कीज को मैंने एक वेरिएबल में बेसिकली स्टोर कर दिया, चार वेरिएबल में स्टोर किया है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ऑथ नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने बेसिकली ऑथेंटिकेट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी के द्वारा, पास कर रहे हैं अपना API की और सीक्रेट की। उसके बाद ऑथ डॉट सेक्स एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन को सेट कर रहे हैं, और API इज इक्वल टू ट्वीट डॉट API। बेसिकली हमने इस तीन लाइन कोड में अपने पूरे API को पहले हमने ऑथेंटिकेट करवाया, हमने अपना की पास किया कि ये हमारा की है, ये हमारा एक्सेस टोकन है, और आप हमको API का एक्सेस दीजिए। उस API का हम लोग बेसिकली यहाँ पे अब API नाम के कीवर्ड में हम लोग अपने API का एक्सेस ले चुके हैं। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है ट्वीट फन, मतलब मैंने कुछ भी फंक्शन का नाम रख दिया, या फिर फंक्शन का जो नाम भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। इस फंक्शन में सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था, मानिए मैं अभी आपको आता दिखाता हूँ ट्विटर अकाउंट पर, हम अपने ट्विटर अकाउंट पर आ चुके हैं। इन ट्विटर अकाउंट में देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक ट्वीट किया है,
जो कि #tierlistofprogramminglanguages का लास्ट ट्वीट है। अगर इस ट्वीट को हमको तो अभी नहीं करना, अगर मान लीजिए ये ट्वीट हमने किया है अभी, हमारा बॉट क्या करेगा, इस ट्वीट को उठाएगा और इस ट्वीट में, इस ट्विटर अकाउंट में पेस्ट करके फिर से ट्वीट कर देगा। तो ये हमारे पास तो दोनों तरफ अवेलेबल हो। अगर मैं फिर से एक ट्विटर में ट्वीट करता हूँ, अपने मेन अकाउंट में ट्वीट करता हूँ, तो फिर से हमारा बॉट इसे उठा के उसमें पेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग को ये जानकारी एक रखना पड़ेगा कि हम लोग का लास्ट ट्वीट कौन सा था, हमने लास्ट कौन सा ट्वीट कॉपी किया है। मान लीजिए अब मैं इस ट्वीट को कॉपी किया हूँ, तो अब अगला जब मैं ट्वीट करूंगा तो इस ट्वीट को नहीं करूंगा, इसके बाद वाले साले ट्वीट्स को करूंगा। तो हम लोग के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों ने लास्ट वाला जो ट्वीट किया है वो कौन सा ट्वीट है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक फाइल बनाया हूँ प्रीवियस ट्वीट id.txt, इसमें मैं बेसिकली अपने ट्विटर का जो आईडी है, आगे मैं जो एक ट्वीट है, ट्वीट मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक मेंशंस किया हूँ। मेंशंस लाइब्रेरी बेसिकली क्या करता है कि जितना भी हमारे ट्विटर में जिन्होंने भी हमें मेंशन किया अपने ट्वीट में, उन सारे ट्वीट्स को हमारे पास लाके दे देगा ये मेंशंस में। तो मेंशंस में जो हम लोग को ट्वीट मिलेंगे, उन सभी ट्वीट्स का एक एक अलग अलग आईडी होता है। तो जो भी हम लोग लास्ट टाइम ट्वीट करेंगे उसका आईडी हम लोग प्रीवियस ट्वीट .id.txt इस फाइल में बेसिकली स्टोर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि सबसे पहले इस फाइल को मैं रीड किया हूँ, प्रीवियस टेक्स्ट id.txt और लास्ट ट्वीट आईडी क्या है, मतलब लास्ट जो ट्वीट हमने किया है वो ट्वीट कौन सा है, उसको मैं पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया हूँ। अब हम लोग फाइल को क्लोज कर देंगे, हम लोग के पास प्रीवियस ट्वीट लिस्ट आ चुका है, प्रीवियस ट्वीट आईडी आ चुका है कि प्रीवियस आईडी कौन सा है। अब हम लोग उन सभी ट्वीट्स को लाएंगे जिस पे हम लोग मेंशन है। मेरा आइडिया बेसिकली ये है कि देखिए मान लीजिए मैं इस अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ अपना पर्सनल चीज़ चाहे कुछ भी अलग चीज़ मैं ट्वीट करता हूँ जो कि कोडिंग गुंडा पे नहीं जाना चाहिए। हर ट्वीट मेरे कोडिंग गुंडा पे कॉपी नहीं कर रहा है, मुझे केवल उसी ट्वीट को कोडिंग गुंडा वाले आईडी पे कॉपी करना है जो ट्वीट कोडिंग गुंडा से रिलेटेड हो। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं उसी ट्वीट को कोडिंग गुंडा के साइट पे कॉपी करूँगा, कोडिंग गुंडा के ट्विटर पे अकाउंट पे कॉपी करूँगा और ट्वीट करूँगा जिसमें कोडिंग गुंडा खुद मेंशन होगा। तो हम लोग केवल यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में हम लोग मेंशंस को लाए हैं, api.mentions timeline मतलब जितने भी ट्विटर ट्वीट्स में हम लोग मेंशन हुए हैं, कोडिंग गुंडा मेंशन हुआ है, उन सभी ट्वीट को ला दो और लास्ट आईडी और ट्वीट मोड इज इक्वल टू एक्शन। लास्ट आईडी ट्वीट आईडी हमने यहाँ पे इसलिए पास किया है कि उन्हीं जो इस लास्ट ट्वीट हमने एक ट्वीट पास किया है, लास्ट ट्वीट आईडी में बेसिकली क्या है, एक ट्वीट का आईडी है जो लास्ट टाइम हमने उसे रिट्वीट किया था। तो हम चाहते हैं कि जो इस लास्ट आईडी के बाद ट्वीट हुआ है उसी को लाओ, ये जो हमारे आईडी पास किए हैं लास्ट ट्वीट आईडी, इसके बाद जो ट्वीट हुआ है उसी ट्वीट को हमें वापस दो और हमें प्रीवियस वाला ट्वीट नहीं चाहिए। और ट्वीट में एक्सटेंडेड मतलब वो नीचे से ऊपर के तरह ऐसे आप समझ सकते हैं, उन ट्वीट्स को हम लाए हैं, उसका हम लोग मेंशंस को प्रिंट किए हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा उसका हमें एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, मेंशंस एक ऑब्जेक्ट होंगे बहुत सारे ट्वीट्स का, लेकिन हम लोग उसे आइट्रेट कर सकते हैं, वो बेसिकली एक लिस्ट के जैसा ही काम करता है जो ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग फॉर मेंशन इन मेंशन जितना भी मेंशंस होगा, मान लीजिए 10 ट्वीट हुआ है 10 सेकंड के अंदर, चाहे कभी भी 10 ट्वीट हुआ है जिसमें हम लोग मेंशन हुए हैं लास्ट ट्वीट के बाद 10 ट्वीट, उन 10 ट्वीटों को लाएंगे हम लोग, तो फॉर लूप लगाएंगे। हम लोग सबसे पहले यूजर फाइंड करेंगे कि देखिए अब मान लीजिए आप ही हैं, आप एक यूजर हैं, आप ही कोडिंग गुंडा को मेंशन कर दिए अपने ट्वीट में, तो आपका तो ट्वीट मुझे कॉपी नहीं करना है, मुझे केवल अपना ट्वीट कॉपी करना है, जो राजदोष आर नाम के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट हो रहा है उसी को कॉपी करना है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे यूजर जो मेंशन है, मेंशन को किस यूजर ने मेंशन किया है मुझे, मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे यूजर इसको टू मेंशन डॉट यूजर डॉट स्क्रीन नेम, जो उसका यूजर नेम है बेसिकली वहीं इसमें दे देगा। तो अभी हम लोग का मान लीजिए राजदोष आर हम लोग को सेंड किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा राजदोष आर बेसिकली आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या यूजर राजदोष आर है। मान लीजिए अगर मैं ही इसे मेंशन किया हूँ, राजदोष आर नाम के अकाउंट से ही ये मेंशन हुआ है, तभी इसे रिट्वीट करना है। तो मान लीजिए आप अगर मेंशन करते हैं कोडिंग गुंडा को, उसे मुझे रिट्वीट नहीं करना है, तो मैं ये चेक करूँगी क्या जो यूजर है वो राजदोष आर है। हाँ, अगर है तब हम उसके टेक्स्ट को निकालेंगे, बेसिकली जो मेंशन यूजर है उसने लिखा क्या है, मैं राजदोष आर ने लिखा क्या है वो निकालना है। तो मेंशन डॉट फुल टेक्स्ट, जो भी लिखा हुआ है मैंने राजदोष आर वाले अकाउंट पे, मुझे मेंशन करके जो भी लिखा गया है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे दे दो। और मैंने यहाँ पे एक रिप्लेस फंक्शन लिखा है। देखिए मेंशन कैसे होता है ट्विटर में,
ट्विटर में मेंशन होता है, जो भी आपको ट्वीट लिखना है लिखिए, और उसके बाद जिसको मेंशन करना है उसे आप @ लगा के, बेसिकली @ लगा के उसका यूजर नेम लिख दीजिए। मैं यहाँ पे कोडिंग गुंडा लिख दूंगा। तो मैंने इसे मेंशन किया, लेकिन जब मैं इसे अपने अकाउंट पे कोडिंग गुंडा के अकाउंट पे ट्वीट करूंगा, तो मैं यहाँ पे @ कोडिंग गुंडा खुद को ही मेंशन नहीं करूंगा, मैं @ कोडिंग गुंडा को # कोडिंग गुंडा में चेंज कर दूंगा। तो मैं @ कोडिंग गुंडा को # कोडिंग गुंडा में चेंज किया, और बाकी सब टेक्स्ट को ऐसे ही रहने दिया है। जो भी हमको मेंशन किया हुआ टेक्स्ट है उसे मैंने बस चेंज कर दिया है। और API.update status बेसिकली क्या करेगा कि एक ट्वीट कर देगा। अब API.update है और टेक्स्ट लिख दिए हैं, ये जो टेक्स्ट है जो अभी हमने कॉपी किया है बेसिकली इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में, इसी को हम लोग ट्वीट कर देंगे और ये ट्वीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे कि हाँ भाई ट्वीट हो चुका है। लेकिन अभी मैंने बताया कि हम लोग को इस प्रीवियस ट्वीट ID नाम के एक टेक्स्ट फाइल में हम लोग को अपना लास्ट ट्वीट, मान लीजिए अभी मैंने एक नया ट्वीट किया तो ये लास्ट ट्वीट होगा हम लोग का, इसे लिखना होगा, उसमें रखना होगा। तो हम लोग फिर से फाइल एक ओपन करेंगे, प्रीवियस ट्वीट ID.txt इसी फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में, और इसमें ओवरराइट कर देंगे, जो पहले लिखा हुआ ये हट जाएगा और इस पर एक नया ID हम लोग लिख देंगे, mention.id। जो mention में क्या है, जो ट्वीट है जो वही mention में आ रहा है, जो ट्वीट किया गया है मुझे mention करके, तो mention जो ट्वीट है उसका ID हम उसमें रख देंगे बेसिकली। और उसके बाद फिर से यही प्रोसेस चलते रहेगा, और लास्ट बार जो ट्वीट होगा उसका ID इसमें रहेगा। नीचे में हमने लिखा इफ नेम इज इक्वल टू मेन, बेसिकली चेक करने के लिए कि ये यही फाइल में इसी फाइल को रन किया गया है कि नहीं। और वाइल ट्रू, यहाँ पे मैंने वाइल ट्रू क्यों लगाया, मैंने एक वाइल ट्रू मतलब एक इन्फिनाइट लूप, मैंने यहाँ पे एक इन्फिनाइट लूप क्यों चलाया, देखिए ये अगर प्रोग्राम रन कर देते हैं एक बार हम, तो ये रन होकर ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद मान लीजिए फिर मैं इसे ट्वीट करता हूँ, तो हमें तो हमेशा प्रोग्राम को चालू रखना होगा, इस बॉट को हमेशा एक्टिव रखना होगा कि भाई तुम देखते रहो, जैसे ही ट्वीट आता है तुम रीट्वीट करो। तो हमने एक यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया है, इन्फिनाइट वाइल लूप लगाया है, इन्फिनाइट लूप चलाया है कि ये हमेशा चलते रहेगा लूप, बॉट हमेशा एक्टिव रहेगा, प्रोग्राम कभी टर्मिनेट नहीं होगा। प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो हम लोग कैसे कॉपी करेंगे, वाइल लूप चला के हमने ट्वीट फंक्शन को कॉपी किया है, ये बार बार ट्वीट फंक्शन को इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब ये कॉल होगा तो फिर से चेक करेगा कि क्या ट्विटर कोई नया ट्वीट हुआ है, नया ट्वीट होगा तो इसमें आ जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर से आएगा। लेकिन हमने देखिए अगर बार बार इसे चलाते रहे तो हम लोग का सिस्टम थोड़ा सा क्रैश भी कर सकता है, बार बार कॉल रहा है, बार बार कॉल रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि बार बार ऐसे ही ट्वीट करते रहेगा। हम लोग को इसे 10 सेकेंड के बाद एक्टिव करना है, तो हम लोग इसे स्लीप पे डाल देंगे। फंक्शन को कॉल करने के बाद 10 मिनट कहेंगे कि 10 सेकंड तुम रुको, उसके बाद फिर से तुम फंक्शन को कॉल करना, ये 10 सेकंड के लिए रुकेगा और फिर से फंक्शन को एक बार फिर से वाइल लूप इन्फिनिट लूप में है तो फिर से आके कॉल करेगा, फिर 10 सेकंड रुकेगा, कॉल करेगा, चेक होगा यही प्रक्रिया कि नया ट्वीट हुआ है कि नहीं, नया ट्वीट होगा तो रिट्वीट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ है तो फिर से आगे बढ़ जाएगा 10 सेकंड वेट करके फिर होगा। मतलब कि हम लोग जो भी ट्वीट करेंगे मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर वो हमारे कोडिंग गुंडा वाले जो ट्विटर अकाउंट है उस पर कॉपी हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को बेसिकली रन करते हैं, मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कर चुका हूँ। ओके, मैं अपना यहाँ पे आईडी अब पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग को मैं शो नहीं करूँगा कि मेरा आईडी क्या है, तो जल्दी से मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना API की और सीक्रेट की। ओके, मैं अपना API की और सीक्रेट की को ऐड कर चुका हूँ। अब मैं इसे Ctrl+B प्रेस करके रन करता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट में आपको नहीं पता होगा तो Ctrl+B प्रेस करके आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। बेसिकली मैं इस मेंशंस जो है इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर से रन कराता हूँ, वो बार बार उतना प्रिंट हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए केवल लास्ट आईडी प्रिंट हो रहा है, हम लोग का लास्ट आईडी ये 45 वाला है, ये केवल लास्ट आईडी प्रिंट हुआ। अब फिर 10 सेकंड बाद फिर से प्रोग्राम फिर से ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये फिर से एक बार लिखेगा, देखिए 10 सेकंड बाद फिर से आ गया। तो अब हम लोग एक नया ट्वीट ऐड करेंगे यहाँ पे, बेसिकली मैं दोनों को साइड बाई साइड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग का इसके भी होम पेज पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए हम होम पेज पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक नया ट्वीट ऐड करता हूँ, सबसे पहले हम लोग को मेंशन करना होगा, कभी भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ हेलो बॉट, और मैं मेंशन करूँगा कोडिंग गुंडा को, मैं तो कोडिंग गुंडा को मैं इसमें मेंशन कर चुका हूँ। अब मैं इसे जैसे ही ट्वीट करूँगा तो 10 सेकेंड के अंदर हम लोग के पास यहाँ पे ट्वीट आ जाना चाहिए। हम लोग अपना प्रोग्राम यहाँ पे बेसिकली चेक कर सकते हैं, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ट्वीटेड, ये हेलो बॉट जो मैसेज था वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, और मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग ट्वीट कर चुके हैं। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख रहा हूँ कि क्या सही में ट्वीट हुआ है।
हेलो बॉट और जो एट द रेट कोडिंग गुंडा था उसे हैश टैग कोडिंग गुंडा में यहाँ पे कन्वर्ट कर चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ट्वीट हो चुका है। मैं बेसिकली इस प्रोग्राम को यहीं पे रहने देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो जो लास्ट आईडी है, ट्वीट आईडी है, वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए पहले 45 था, यहाँ पे 06 हो चुका है, मतलब लास्ट आईडी भी चेंज हो चुका है। लेकिन देखिए अभी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम चला रखे हैं, अगर हम इसको नहीं रन नहीं करते हैं, प्रोग्राम को ख़त्म कर देते हैं, अभी रन नहीं करते हैं और उसके बाद हम लोग अगर इसे ट्वीट करें तो ये काम बेसिकली नहीं करेगा। इसे हम लोग को चाहिए कि ये हमेशा रन होते रहे, ये प्रोग्राम हमेशा रनिंग में रहे। तो उसके लिए एक छोटा सा बहुत सिंपल आइडिया है कि हम लोग इसे क्लाउड पे डाल दें। तो अब बोलिएगा कि भाई एक ट्विटर बॉट के लिए हम पैसा लगा के क्लाउड करें, तो टेंशन नहीं है। पाइथन एनीवेयर का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पाइथन एनीवेयर को खोलूँगा और वो भी एक फ्री में हम लोग को देता है, बेसिकली इसे हम लोग फ्री में वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। तो मैं पाइथन एनीवेयर खोल चुका हूँ, यहाँ पे मैं ओपन अनदर फाइल करूँगा और बेसिकली मैं इसी लोकेशन पे ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ home/codingunda और मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ twitterbot.py नाम से मैं एक फाइल बनाऊँगा और इसे एक न्यू फाइल बेसिकली मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपना पूरा कोड कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर दूँगा और मैं फिर से पीछे जाऊँगा और फिर से एक नया फाइल बनाऊँगा। बेसिकली मैं बैक करता हूँ और एक फिर से मैं एक नया फाइल, अभी हम लोग twitterbot.py बना चुके हैं, एक नया फाइल फिर से बनाते हैं। फाइल का नाम बेसिकली हम लोग का होगा previous tweet id.txt, यहीं हम लोग को फाइल बनाना है। तो मैं /home/codingunda और यहाँ पे मैं इस नाम को पेस्ट करूँगा, न्यू फाइल हम लोग जनरेट करते हैं। और देखिए जो हम लोग के पास लास्ट आईडी प्रीवियस आईडी है उसे हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और उसमें पेस्ट करेंगे। मैं अब सबलाइम टेक्स्ट को बेसिकली यहाँ पे कट कर रहा हूँ, इसमें हम लोग पेस्ट करके इसे सेव कर देंगे और हम लोग खोल लेंगे अपना twitterbot.py फाइल को। मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ twitterbot.py फाइल को, मैं ओपन किया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है बैश कंसोल हियर, ओपन यहाँ पे बैश कंसोल, मतलब जो कंसोल है यहीं पे ओपन कर देगा। देखिए हम लोग का यहाँ पे कंसोल ओपन हो चुका है। ओके, हम लोग इंस्टॉलेशन से जाके यहाँ से हम लोग पिप इंस्टॉल ट्वीपाई को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग बेसिकली पहले यहाँ पे कंसोल में इंस्टॉल करेंगे। मैं कंट्रोल भी किया हूँ, लेकिन यहाँ पे आप पिप मत लिखिए, यहाँ पे पिप और पाइथन का आपको वर्जन पिप 3 लिखिए। बेसिकली मैं यहाँ पे पिप 3.7 लिखूंगा क्योंकि मैं पाइथन 3.7 को यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए पिप 3.7 मेरे इस सर्वर में बेसिकली पहले से ये इंस्टॉल है। देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इस प्रोग्राम को बेसिकली रन कर देना है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ, python 3.7, और हम लोग के फाइल का नाम है twitterbot.py। हम लोग के फाइल का नाम है twitterbot.py। मैं इसे रन कर दूंगा, देखिए बेसिकली रन हो चुका है, हम लोग का प्रोग्राम सही से चल रहा है यहाँ पे। अब अगर हम लोग फिर से यहाँ पे ट्वीट करते हैं, मैं यहाँ पे अपना ट्विटर अकाउंट खोल लेता हूँ फिर से और इसे मैं साइड बाई साइड फिर से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग का देखिए बेसिकली ये चल रहा है, यहाँ पे कंसोल में आप नीचे देख पा रहे हैं हम लोग का यहाँ पे ट्विटर ओपन हो चुका है। मैं फिर से एक टेस्ट करता हूँ, टेस्ट सर्वर server@codingunda को हम लोग बार बार मेंशन करना जरूरी है, तभी कॉपी होगा। अब हम लोग इसे फिर से ट्वीट करते हैं, यहाँ पे देखिए ट्वीट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पे मिल चुका है ट्वीट, ये टेस्ट सर्वर एट रेट codingunda, हम लोग का यहाँ पे टेक्स्ट देखिए आ चुका है, मतलब हम लोग का ट्वीट हो चुका है यहाँ पे। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट सर्वर #codingunda, मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पे भी ओपन है नहीं, ऐसा जो ही नहीं। आप इसे बेसिकली यहाँ से मैं काट देता हूँ इसे, अब ये हम लोग एक क्लाउड पे वो चल रहा है, वो प्रोग्राम रन कर रहा है। अब हम अगर फिर से यहाँ पे लिखते हैं testserver2@codingunda और मैं फिर से इसे ट्वीट करता हूँ, तो अब हम लोग एक क्लाउड पे चल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। मैं फिर से इसे 10 सेकेंड वेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे test server2 #codingunda आ चुका है, मतलब वो हम लोग के क्लाउड पे बेसिकली प्रोग्राम रन कर रहा है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।